Hello dear student, today we are going to start the class 12. This is the chapter 1 and the unit 1 called electrostatics. Okay, this is the first unit of class 12. Electrostatics, this electrostatics is made up of the two words, electro and statics. Electro and statics, okay. Electro means charge and statics means rest. Connect it with conjunction in. Charge in rest. यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फुल मीनिंग क्या है? चार्ज इन रेस्ट. यानी कि इस पूरे यूनिट में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें चार्जेस हमेशा रेस्ट में रहेंगे. ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में रहता है तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज को वो डेवलप करता है, किस टाइप की फिनोमिनन उसके आसपास होती है, इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में, पूरे यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिकल इफेक्ट को जनरेट करता है. इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करता है जब वो बॉडी रेस्ट में होती है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करता है, और जब बॉडी मोशन में होती है तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट को भी जनरेट करता है. ठीक है, टाइप ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज. चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज. ओके, वन मोर पॉइंट यू हैव टू नो, चार्ज विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रेपल ईच अदर. मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस विल रेपल ईच अदर, एंड चार्ज विद द अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, now this is the like charges. Simply you can say like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay, now unit and dimensional formula. जो चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कुलॉम्ब. ठीक है, ये ग्रेट फिजिसिस्ट कुलॉम्ब के नाम पे दिया गया है, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं. ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्जेस कुलॉम्ब. कुछ छोटी यूनिट के बारे में भी लोग जान लें. 1 मिली कुलॉम मीन्स 10⁻³ कुलॉम, 1 माइक्रो कुलॉम मीन्स 10⁻⁻6 कुलॉम, एंड 1 नैनो कुलॉम मीन्स 10⁻⁹ कुलॉम. ठीक है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU. ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ओके, and if you want to relation between the coulomb and electrostatic unit, then 1 coulomb equal to 3 × 10⁹ electrostatic unit. Okay, ESU means electrostatic unit. Okay, and relation between the coulomb and electrostatic unit, 1 coulomb equal to 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. आपको इससे समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितनी छोटी यूनिट है. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द चार्ज, Q = 80. ये आया कहां से? तो ये याद करो, I = फॉर्मूला क्या होता है? Q/T. करंट का फॉर्मूला यही होता है ना, इस हिसाब से Q = क्या हो जाएगा? I × T. Q क्या है यहाँ पे? चार्ज है. ठीक है, तो जो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा वो I का डायमेंशन A होता है, एम्पियर, और T का डायमेंशन होता है T यानी कि टाइम. ठीक है, तो इसलिए जो चार्ज का जो डायमेंशन है वो AT के इक्वल होता है. ठीक है, इसके बाद अक्सर हम लोग इस पूरे चैप्टर में पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? हुज स्पेशियल साइज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द अदर डिस्टेंस. मतलब किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज हम लोग तब कहेंगे जब उसके खुद का जो साइज है वो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके साइज में उसके कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो। ठीक है, यानी कि वो उसकी खुद की साइज बहुत छोटी हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, देन वी विल से दिस इज द पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब जो है थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को भी हम लोग जान जाते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या आएगा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत जरूरी है जानना कि चार्ज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और चार्ज का जो एल्जेब्रा होगा वो सिंपल एल्जेब्रा जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी के टाइप का होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज का एल्जेब्रा सेम होता है। ठीक है, फिर चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई एक बॉडी चार्ज बॉडी है तो उसको हम लोग किसी अनचार्ज बॉडी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक लेके जाया जा सकता है, इसलिए बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहां पे आ जाइए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो चार्ज जो होता है हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है, यानी कि कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो उसके पास मास जरूर होगा। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, यानी कि कोई बॉडी अगर उसके पास मास है तो चार्ज भी हो, ये बात सही नहीं है। ठीक है ना, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि चार्ज जब भी होगा तो उसके पास मास भी होगा। दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज, लेकिन मास जो है बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम का चार्ज होता है। और इसका मास भी तो कुछ होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। लेकिन यानी कि किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास भी होगा। लेकिन हम मान लें कि कोई एक, आप मान लीजिए स्टोन मान लीजिए, ठीक है स्टोन, तो इस स्टोन का कुछ ना कुछ मास होगा, जैसे मान लीजिए 50 ग्राम। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि ये चार्ज भी हो। ठीक है, तो इसलिए जो चार्ज है उसके पास मास होता है, लेकिन मास के पास चार्ज हो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज द कंजर्व्ड। देखिए चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, इसका मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हम तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है जिसमें कि हम लोग क्या करते थे, अपने बाल के ऊपर जो है एक स्केल को ऐसे रब कर लेते थे और उसके बाद जो उस स्केल के पास जब हम लोग छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लेके आते थे तो ये इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता था, तो हम बोलते थे कि ये जो स्केल है ये चार्ज हो चुका है ना। इसका मतलब आपको कि अरे नहीं, मैंने तो रब करके जो है उस स्केल को चार्ज कर दिया था, मैंने चार्ज को क्रिएट किया है। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात सही इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक्चुअल में चार्ज को क्रिएट नहीं किया है, आपने चार्ज को ट्रांसफर किया है। ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर मतलब मैं आपको छोटी सी चीज यहां समझा दे रहा हूं। सपोज दैट देयर इज अ टू बॉडी ए एंड बी। ठीक है, अगर इन दोनों बॉडीज को अगर आपस में आप रब करते हो तो रबिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से निकल करके दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। मैं मान लिया कि ए से निकल करके बी में चले गए। ठीक है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, ठीक है, वो बनती है पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो बनती है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक्चुअल में जब आप रब करते हो तो आप चार्ज क्रिएट नहीं करते, जबकि चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से एक बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। फिर है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए चार्ज में की जो वैल्यू होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि कोई बॉडी कितनी भी तेज मूव करे या कितना भी स्लो मूव करे इस बात का उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है? तो मेरे ख्याल से हाँ, मास एक क्वांटिटी है जो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगर मास कोई बॉडी है जिसका कुछ मास है, अगर कुछ वो स्मॉल वेलोसिटी से चल रही है तब तो डिपेंड नहीं होता, लेकिन अगर वेलोसिटी जो है ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के ऑर्डर में अगर मूव करने लगती है तो उसका जो मास है वो चेंज होना स्टार्ट कर जाता है। वो फॉर्मूला आपको मालूम होगा m = m0/√1 - v²/c², जहाँ c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, v जो है स्पीड ऑफ बॉडी है, m0 इज कॉल्ड द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है उसका मास चेंज होना शुरू कर जाता है। लेकिन ये तो रही बात मास की, यानी कि मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मास भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो चार्ज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो इनवेरियंस है, वो चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। कोई बॉडी कितनी भी तेज मूव करे उससे उसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी अक्सर ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द चार्ज, ठीक है। तो वहां पे ये भी एक पॉइंट होगा कि मास वेरी करता है, मास इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी वेयर एज द चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, ठीक है। एक और भी हम लिख सकते हैं कि चार्ज बॉडी शुड हैव द मास एंड मास इज नॉट नेसेसरी शुड हैव द चार्ज। फिर है चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अगर चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, कोलम्बियन फोर्स को डिस्कस करेंगे, ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी, ठीक है। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मूव वो दो तरीके से कर सकता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और एक एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिकल इफेक्ट को भी जनरेट करता है, ठीक है। और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी जनरेट करता है, ठीक है। जैसे मैं चीजों को मैं फिर से बता देता हूं, अगर चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड। A charge particle at rest produces only the electrical field, ठीक है, in the space surrounding it. However, if the charge particle is unaccelerated motion मतलब uniform motion, it produces both electrical and magnetical field. And if the motion of the charge particle is accelerated, it not only produces the electrical and magnetic field but also radiates the energy in the space surrounding the charge in the form of the electromagnetic wave. यानी कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को जनरेट करेगा, अगर मोशन में है तो, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट को भी जनरेट करेगा, और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो चार्जेस जो होते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे, सारे के सारे कंडक्टर के सरफेस पे आ जाते हैं, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। Charge resides on the surface of the conductor because like charges repel and try to get as far away as possible from one another and stay at the farthest distance from each other which is outer surface of the conductor। जैसे कोई मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज है, चार्ज है, इसका क्या मतलब है कि वहां पर किसी चार्ज एक्स्ट्रा है। एक चीज मैं और भी आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। देखिए मैं दो बॉडी बना रहा हूं, बॉडी ए और बॉडी बी। हम लोग अक्सर कहते हैं कि बॉडी इज न्यूट्रल, इट डजंट हैव एनी चार्ज, राइट। तो बॉडी का न्यूट्रल होना इस बात को नहीं बताता कि उसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। बॉडी का जो न्यूट्रल होना है इस बात को नहीं बताता कि उसके पास चार्ज नहीं है, इस बात को बताता है कि उसके पास चार्जेस हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। जैसे बॉडी ए, मान लीजिए कि दो पॉजिटिव और दो निगेटिव चार्जेस हैं, तो ये न्यूट्रल बॉडी है क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव को कैंसिल कर देगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को कैंसिल कर देगा, और ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब इसका नेट चार्ज जीरो है। ध्यान देना, नेट चार्ज जीरो है, ठीक है। ऐसे ही अगर बॉडी बी है, इसके पास तीन पॉजिटिव है और दो निगेटिव है, तो यहां पे जो चार्जेस है वो अनबैलेंस्ड है। यहां पे दो पॉजिटिव दो निगेटिव को तो कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन एक पॉजिटिव बच जाएगा जिसकी वजह से ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी, ठीक है। तो ये बोलना कि किसी बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत सही नहीं है, ठीक है। हम ये बताएंगे कि बॉडीज, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब कि वहां चार्जेस बैलेंस्ड हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि निगेटिव चार्ज डिक्रीज है, निगेटिव चार्ज कम है, ठीक है। अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो हम बताएंगे कि उसमें निगेटिव चार्ज एक्सेस में है, या हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज उसमें कम है, ठीक है। तो यहां पर जो है मैंने एक कंडक्टर लिया जिसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं कि चार है, 4+ मान लिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, मैंने 4+ मान लिया आपको समझाने के लिए। अब ये सारे के सारे कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, और चूंकि ये मटेरियल कंडक्टर भी है यानी कि ये मूव कर सकते हैं इसके अंदर, तो जब एक दूसरे दूर जाना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, दूर भाग करके जो है एक दूसरे से सबसे दूर जाना चाहेंगे, तो सबसे दूर का जगह क्या मिलेगा इनको, इनको मिलेगा सरफेस। तो इस सब के सब चार्जेस जो है वो सरफेस पे आके चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से इसलिए बोला गया है कि मेटल यानी कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा उसके सरफेस पे लोकलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज वाई द सॉलिड एंड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द सेम आउटर रेडियस विल होल्ड द मैक्सिमम इक्वल चार्जेस एंड द सो बबल एक्सपेंड्स ऑन चार्जिंग। जैसे कि मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर, जब चार्जेस को आके रहना सरफेस पर ही है, तो हॉलो हो या सॉलिड हो क्या फर्क पड़ता, दोनों तो इक्वल अमाउंट का चार्ज ही तो होल्ड करेगा ना, ठीक है। अब यहां पर है कि सोप बबल एक्सपेंड्स ऑन चार्जिंग, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि सोप बबल होता, ठीक है, और इसके सरफेस पे पूरे के पूरे चार्जेस होते हैं, और वो चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरफेस को वो एक्सपेंड करते हैं, इसी लिखा गया है सोप बबल एक्सपेंड्स ऑन चार्जिंग, ठीक है। अब यहां पे ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा भी जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के पहले जो है हम एक चीज आपको हम समझाना चाहते हैं, समझिए बिल्कुल अच्छे से प्यार से। Suppose there is a body A and body B. We have rubbed the body A with the body B. And due to the rubbing, if some electrons are transferred from the body A to the body B, suppose 1 electron is transferred, then body A will have the plus E charge and body B will have the minus E charge, minus 1 E charge and plus 1 E charge. Okay? If 2 electrons is transferred, then the body will have the plus 2e charge and minus 2e charge. If 3 electron will transfer, then the body will have the plus 3e charge and minus 3e charge, right? यानी कि जब भी चार्जेस डेवलप हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा 1, 2, 3 के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो रहे हैं. फ्रैक्शन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता. ये नहीं कि 3/2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, यानी कि ये बात प्रूफ हो जाती है कि अगर कोई बॉडी है उस पर जो चार्ज होगा, दिस इज ऑलवेज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऐसे मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हो जाए तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस एन ई चार्ज और माइनस एन ई चार्ज, और इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. यानी कि चार्ज ऑन ए और ऑन बी विल बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्लस एन ई और इन द फॉर्म ऑफ माइनस एन ई. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इसके बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये एक फिक्स स्टेप के फॉर्म में है. ठीक है, जैसे आप या तो प्लस ई स्टेप पे चलोगे या प्लस 2e, प्लस 3e, प्लस 4e ऐसे चलोगे, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन. देखिए क्वांटाइजेशन की वैल्यू क्या होगी. व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली द डिस्क्रीट वैल्यूज रेदर देन एनी वैल्यू, द क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड. अगर किसी क्वांटिटीज के पास कोई डिस्क्रीट वैल्यू हो, कोई फिक्स वैल्यूज हो, स्टेप्स के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी. ठीक है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटा चार्ज जो पूरे नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है फिलहाल आपकी थ्योरी के हिसाब से, वो है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इधर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, ये आपको पहले से मालूम होगा. टेकन एज द एलिमेंट्री यूनिट, अगर इसको एक यूनिट मान लें हम लोग, देन द चार्जेस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी ओनली इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यानी कि इसको हमने ई लिख देंगे. ठीक है, तो या तो प्लस ई का चार्ज होगा, या तो माइनस ई का, या प्लस 2e का, माइनस 2e का, एंड सो ऑन. ठीक है, वेयर एन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1, 2, 3, 4 up to the infinity. ठीक है, चार्ज कैन नेवर बी 0.5e. क्यों? क्योंकि 0.5e का मतलब है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा. 0.5 का मतलब 1/2 ना, तो क्या हाफ इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ी ना ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, इसलिए ये चीजें नहीं होंगी. डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 17/2 का मतलब क्या हुआ, 172/10. ये भी तो पॉसिबल नहीं होगी, तो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन चार्जेस नहीं पॉसिबल होते हैं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ ई पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, या निगेटिव पावर भी पॉसिबल नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली या तो ये पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर पूछ देगा व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तब तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी ओनली इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज कंटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बोल देगा, ऐसे ढेर सारे वैल्यूज दी रहेंगी चार्जेस की, जैसे कि दिया होगा 3.2 × 10⁻². ठीक है, ऐसे 3.2 × 10⁻20, 1.56 × 10⁻⁻⁵ कूलॉम. और बोलेगा इन तीन में से बताइए कि कौन को या इनमें से कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो पॉसिबल हैं ट्रांसफर होने के लिए. तो अगर ये जानना है कि कौन से चार्जेस पॉसिबल है ट्रांसफर होने के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो चार्ज जो है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं है. ठीक है, यानी कि Q की वैल्यू आपको दी है और Q को NE के इक्वल कर दीजिए, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/E. यानी जो चार्जेस आपको दिए, जैसे हमारे 3.2 अगर आपको चेक करना है × 10⁻², तो Q की जगह पुट कर दीजिए, E की जगह क्या होगा 1.6 × 10⁻¹⁹. ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 × 10 टू दी पावर ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो ये एक इंटीजर है कि नहीं है, ये इंटीजर है, ठीक है। तो ये नहीं कि ये वैसे ये वैल्यू जो है वो होगी वो पॉसिबल होगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ ऐसा आ जाए जो इंटीजर ना हो, जैसे निगेटिव पावर अगर आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो पॉसिबल नहीं होगा। या फिर यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 1.6 से सही तरीके से मतलब कंप्लीटली डिवाइड ना होता हो, ठीक है, तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे, कोलम्बियन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और फिर उसके आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।